हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम सब पढ़ेंगे एडोल्फ। ये एक जो तुम्हारे कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ देखो, क्लास सेवेंथ के बुक में है ये। क्लास सेवेंथ के बुक में एक पिक्चर ये दिए गए कि एक स्टोरी है जिसका नाम है एडोल्फ। तुम इसमें देख सकते हो, ठीक है? तो मैं इसको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, यू कैन गेट द एक्चुअल टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट। एक्चुअली ये इतना छोटा नहीं है। एडोल्फ जो है ये डीएच लॉरेंस का लिखा हुआ है, और डीएच लॉरेंस का लिखा हुआ ये देखो, तुम यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो। एडोल्फ जो है ये एक लॉन्ग टेक्स्ट है, ठीक है? लगभग ऑलरेडी 5 पेज दिख रहा है। तो तुम्हें इतना जरूरत नहीं है जितना तुम्हारे उसमें है। मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। पहले स्टार्टिंग में कुछ देखो, यहाँ से जो है, व्हेन वी वेर चिल्ड्रन आवर फादर, तो यहाँ पे कुछ वर्णन है जो तुम्हारे बुक इस बुक में नहीं दिया गया है। जो जो स्टूडेंट्स तुम देख रहे हो, तुम्हारे बुक्स में देखो ये स्टोरी है। तो स्टोरी में जो है स्टार्टिंग से वहां से नहीं हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन इसको शॉर्ट कर दिए गए, ठीक है? और मेन पॉइंट से लिया गया। तो होता क्या है ना, जो यहाँ पे जो नैरेटर है, नैरेटर की जो पिताजी है वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, और काम करने के बाद कब घर आते हैं ना, मॉर्निंग टाइम पे। तो ज्यादातर क्या होता है, वो टायर्ड रहते हैं, और थोड़ा बच्चों जब नींद से उठते हैं तब उसके फादर जो है काम से घर आते हैं। तो मैक्सिमम डे होता है उसके पिताजी के मूड थोड़ा ठीक नहीं रहता है, क्योंकि पूरा रात भर काम करने के बाद वो क्या होता है ना, मिजाज थोड़ा गर्म रहता है। लेकिन उस दिन क्या होता है, उस दिन उसके पिताजी को देख के लगा कि नहीं, आज तो कुछ अलग लग रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, वो एक अभी आगे देखो क्या होता है ना, वो घर आता है। चलो थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं हम। गिव मी ए ड्रिंक ही सेड, वो आता है उसकी माता को कहते हैं, गिव मी ए ड्रिंक, मुझे एक ड्रिंक दीजिएगा। ड्रिंक का मतलब मान लो कि चाय, ठीक है? चाय होगा, हो सकता है कॉफी हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो चाय होगा। माई मदर हैस्टली पोर्ड आउट हिज टी, तो वो चाय है ये। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, जल्दी से, हैस्टली मीन्स जल्दी से, पोर्ड आउट हिज टी मतलब उसमें उसी कप में चाय डाल दिए। ही वेंट टू पोर इट ऑन टू द सोसर। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे स्टोरी शुरू हो रहा है, माई फादर हैस्टली पोर्ड आउट हिज टी। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारे बुक में रॉन्ग है, ठीक है? तुम्हारे बुक में जो है थोड़ा टेक्स्ट में रॉन्ग है। वहां पे दिया माय फादर हैस्टली पोर्ड आउट हिज टी, माय फादर हैस्टली नहीं होगा, वो माय मदर होगा। तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअल टेक्स्ट जो है यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। माय मदर हैस्टली, हैस्टली का मतलब होता है झड़बड़ी से, जल्दी से, मतलब क्योंकि वो बोले है, उसके फादर बोले है मुझे चाय दीजिए, तो उसकी मम्मी जो है जल्दी से जल्दी चाय ला के देते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, फादर जो है वेंट टू पोर इट ऑन टू द सोसर। उसके फादर क्या करते हैं, सोसर क्या होता है, ये प्लेट होता है, ठीक है? चाय जो है, चाय को प्लेट में डालना। बट इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग, लेकिन उसको चाय को पीने के बजाय उसने क्या करता है कि सडनली पुट समथिंग ऑन द टेबल। वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को, जैसे मान के चलो ये हाथ में मेरे मोबाइल है, इस मोबाइल का अचानक से मैं, यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये है ना, दिख रहे हैं, ये टैडी दिख रहा है छोटा सा, इस टैडी को मान के चलो अचानक से जो है चाय डालने के बाद अचानक से ला के वो टेबल के ऊपर रख देते हैं ऐसे, क्लियर? ऐसे टेबल पे रख देते हैं सबके सामने, सब बच्चों के सामने ऐसे बैठे रहे, दिख रहे हैं, ऐसे बैठे रहे, ठीक है? ये बैठा है, ये मान लो अमंग हिज टीकप, तो वो क्या है ना, अमंग द टीकप्स मतलब चारों ओर टीकप्स रखे हुए हैं, ऐसे टीकप्स जो है चारों ओर रखे हुए हैं, उसके बीचों बीच वो रख देते हैं। वो है क्या ना, एक टीनी ब्राउन रैबिट, एक छोटा सा ब्राउन कलर का रैबिट था वो, ये स्मॉल रैबिट, वो क्या था ना, एक छोटा सा रैबिट था, और जिसको कहा जा रहा है ए मेयर मॉर्जल। देखो मॉर्जल क्या होता है, मॉर्जल का मतलब तो लिख लो ए वेरी स्मॉल रैबिट, मतलब एकदम छोटा सा, तो कह सकते हो कि ज्यादा दिन उसकी एज नहीं है, ठीक है? बस 4-5 4-5 डेज हो सकता है, वैसे बहुत छोटा होता है रैबिट, ठीक है? देख ए मेयर मॉर्जल, वो क्या कर रहा था, सिटिंग अगेंस्ट द ब्रेड एज स्टिल एज ही इट वेयर मेड थिंग। वो कहाँ बैठे थे, सिटिंग अगेंस्ट, वो बैठे थे ब्रेड पे, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रेड के पास, मतलब जो ब्रेड्स रखे हुए थे, ब्रेड्स तुम देखो यहाँ पर पिक्चर में तुम्हें दिख सकता है कि फोटो में, तो देखो तुम्हारे कुछ ब्रेड्स रखे गए, इन ब्रेड के पास उसके उस रैबिट को जो है रख देते हैं ब्रेड के पास, ठीक है? यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, तो ब्रेड के पास जो है उसके रैबिट को जो है जैसे ही रख देते हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठ रहते हैं ऐसे ही। इट वेयर मेड थिंग, मेड थिंग का मतलब होता है द थिंग दैट इज मेड थिंग, जैसे मान लो कि ये मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन ना तो ये अपने से कुछ करेगा, नहीं करेगा, इसको अगर यहाँ पे मैं रख दिया हाथ के ऊपर तो ऑटोमेटिक बैठा रहेगा, तो इट इज अ मेड थिंग। मेड थिंग का मतलब दैट हैज नो लाइफ, द थिंग दैट हैज नो लाइफ, ठीक है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो वो है क्या, तो अचानक से जो है
बच्चे जो है मतलब नरेटर जो है सवाल करने लगे, ए रैबिट, ए यंग वन, एक छोटे से रैबिट, हु गेव इट टू योर फादर, किसने दिया आपको ये, बोल रहे हैं बट ही लाफ्ड एनिग्मेटिकली। देखो एनिग्मेटिकली क्या होता है, हाँ मतलब कुछ हम किए है, समझ रहे हो, मतलब आई हैव डन समथिंग सस्पिशियसली, इन्हें मतलब एक स्माइल दी उसके फादर जो है, जस्ट स्माइल इन्हें मिस्टीरियस हुए, मिस्टीरियस हुए मतलब यहाँ पे एनिग्मेटिकली मतलब स्माइल्ड मिस्टीरियसली, ठीक है, इन्हें जैसे कि कोई सस्पेंस छुपा हुआ इसमें। बट विथ ए स्लाइडिंग मोशन ऑफ हिज येलो, विथ ए स्लाइडिंग मोशन ऑफ हिज येलो ग्रे आईज, विथ ए स्लाइडिंग मोशन मतलब ये जो आईब्रोज है इसकी स्लाइडिंग मोशन मतलब हल्का सा ही करके मतलब हाँ हाँ हम लाए हैं कहीं से, एंड वेन टू टेक ऑफ हिज कोट, और वो जो है अपना कोट जो है मतलब वो ड्यूटी से आ रहे हैं तो अपना कोट जो है उतार के रख देते हैं। वी पाउंस्ड ऑन द रैबिट, पाउंस्ड क्या होता है मतलब एक साथ कूद पड़ना, पाउंस मतलब जंप अपॉन समथिंग, तो यहाँ पे देखो जैसे कि बिल्ली रैबिट क्या मतलब कैट क्या करते हैं, द कैट पाउंस्ड ऑन द, अगर तुम बोलोगे द कैट पाउंस्ड ऑन द रैट मतलब बिल्ली जो है चूहे के ऊपर जंप करके कूद गए एकदम से, तो इसी तरह से सारे बच्चे वहां पर कूद पड़ते हैं मतलब दे पाउंस्ड ऑन द रैबिट। तो अगेन इट इज सेड इज इट अलाइव मतलब सेड दैट कैन यू फील द हार्ट बीट, तो अब यहाँ पे जो है कौन पूछ रहे हैं ना, तो तुरंत जो है सभी बच्चे देखने लग जाते हैं कि बोल रहे हैं इज इट अलाइव, क्या ये जिंदा है, कैन यू फील इट्स हार्ट बीट, क्या इसके हार्ट बीट जो है फील किया जा रहा है, तो सब उसके ऊपर जो है इंस्पेक्शन शुरू कर दिया कि इसका कंडीशन कैसा है। तो माई फादर केम बैक एंड सैट डाउन हेवीली इन हिज आर्म चेयर, अब उसके पिताजी जो है फिर से वापस आता है और हेवीली मतलब आराम करके थक गया पूरी तरह से वो बैठ जाते हैं ऐसे, क्लियर, मतलब हम लोग जैसे नॉर्मल एनर्जेटिक रहते हैं तो ऐसे बैठते हैं ऐसे बैठते हैं, लेकिन कोई थक जाते हैं तो कैसे बैठते हैं एकदम ऐसे फैल के बैठ जाते हैं पूरी तरह से आराम से लेट जाते हैं पूरा थक गए। ही ड्रैग्ड हिज सॉसर टू हिम, वो क्या करता है अपने सॉसर जो है मतलब प्लेट जो है उसको खींच के अपने तरफ लेते हैं, एंड ब्लू हिज टी, और अपने चाय को जो है ब्लू का मतलब क्या होता है ऐसे कूदाना डालना, ठीक है, पुशिंग आउट हिज रेड लिप्स, देखो लिप्स आर यर द कलर ऑफ द लिप्स आर डिस्क्राइब्ड एज रेड, ठीक है रेड कलर की लिप्स है, और पुशिंग आउट मतलब मान लो तुम कूदोगे किसी चीज में तुम तुम्हारे ठोंठ तो बाहर की तरफ आएंगे, अंडर हिज ब्लैक मस्टक, अभी तो हमारे मस्टक काट दी है लेकिन मान लो अगर मस्टक होता तो क्या होता मस्टक के नीचे ही होंठ होंगे ना, तो ब्लैक मस्टक के अंडर में जो होंठ है उसको आगे की तरफ करके फूल देते हैं। नेक्स्ट टाइम कह रहे हैं वेयर डिड यू गेट गेट इट फादर, मतलब बच्चे जो है सवाल करने लग जाते हैं फिर से क्वेश्चन करते हैं कि बाबा आपको ये कहाँ मिला, और आई पिक्ड इट अप, मैंने इसको उठा के लाया हूँ, इसे वाइपिंग हिज नेकेड फोरआर्म ओवर हिज माउथ एंड ब्रेन, ठीक है ओवर हिज माउथ नेकेड फोरआर्म, उसको क्या नेकेड फोरआर्म क्या होता है ना ओवर हिज माउथ एंड बियर्ड, मतलब ऐसे करके वो पूछते हैं मतलब नेकेड फोरआर्म क्या होता है ये वाला इससे मान लो कि यहाँ से क्या करते हैं ऐसे करके पूछते पूछते बोलते हैं कि मैंने इसको उठा के लाया हूँ, ठीक है I picked it up, he said, wiping his naked forearm over his mouth and bread. But where? कहाँ से? ना, is it a wild one? Came my mother's quick voice. तो तब जो है उसकी मदर की क्विक वॉइस मतलब उसकी माँ को चिंता तो वैसे भी घर के महिलाएं ज्यादा चिंता करती है इस चीजों से क्योंकि उसको ये सब चीजें पसंद नहीं है क्योंकि घर गंदा करेंगे, ठीक है जैसे बच्चे और पापा क्या करते हैं वो सब ला के इकट्ठा कर देंगे, अब संभालो मतलब घर के जो मम्मी होते हैं उन्हीं को तो संभालना पड़ता है। तो इज इट वाइल्ड वन, बोल रहे क्या ये जंगली है क्या मतलब वाइल्ड वन है, केम माय मदर्स क्विक वॉइस, उसकी माँ जो है तुरंत पूछने लगे कि क्या ये जंगल से उठा गया है क्या, पर यस इट इज मतलब यस इट इज वाइल्ड वन, देन व्हाई डिड यू ब्रिंग इट, बोल रहे तो इसको लाए क्यों आप, इसको उठा के क्यों लाए अगर जंगली है तो इसको उठा क्यों लाए, क्राइड माय मदर, बोल वो वी वांटेड इट केम आवर क्राई, तो उसके पिताजी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जैसा बाप वैसे ही बेटे बच्चे हैं, तो पिता ने उठा के लाए हैं जंगल से और बाकी बच्चे एक साथ टूट पड़े उसको मतलब उन लोगों को हमें चाहिए 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 बहुत अच्छा उनके लिए, तो उसके पिताजी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है क्योंकि जंगल से उठा के लाए हैं एक खरगोश को, पर नहीं 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 वी वांटेड इट हम लोग को चाहिए, केम आवर क्राई, यहाँ पे आवर का मतलब होता है सारे बच्चे एक साथ चिल्लाने के बोलने लगे कि नहीं नहीं मुझे चाहिए हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए नब्बू वाला रवि, पर यस आई हैव नो डाउट यू डिड रिटॉर्टेड माई मदर, देखो रिटॉर्टेड का मतलब होता है स्टार्टेड कंप्लेनिंग, और तुम कह सकते हो कि थोड़ा इरिटेटेड फीलिंग में मतलब जो एग्रीड नहीं है व्हाट हर हस्बैंड एक्चुअली डिड शी वाज नॉट एग्री विद दैट,
जो उसकी हस्बैंड ने की है उसके साथ एग्री नहीं है, क्योंकि एक जंगल से जो रैबिट को उठा के लाया है घर में। अब इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है आगे पता चलेगा। पर हाँ, आई हैव नो डाउट यू डिड, बोले मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने इसको जंगल से उठा के लाया है। बट सीव्स ड्राउंड इन आवर क्लैमर ऑफ क्वेश्चन। लेकिन आगे और उसके मादर कुछ और बोलते हैं, लेकिन क्या हुआ ना, सीव्स ड्राउंड, सी वॉज ड्राउंड, सॉरी यहाँ पे जो है मतलब वर्ड जो एक साथ एड हो गया, लेकिन सी वॉज ड्राउंड, देखो ड्राउंड तो वैसे डूब जाना, लेकिन यहाँ पे जो मादर की जो वॉयस था, जो आगे जो कुछ बोलने जा रहे थे, वो सब आवाज किसी को सुनाई नहीं थी, क्योंकि सारे बच्चे वह 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 चिल्लाने लगे एक साथ, सब बच्चे जो एक साथ नहीं 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 मुझे हम लोग को चाहिए 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 ऐसे चिल्लाने लगे। तो क्या हुआ ना, टोटली जो है उसकी मादर की वॉयस जो है दब गया, किसी को उसके पिता तक उसके वॉयस की वॉयस गया ही नहीं। बट ऑन द फील्ड पाथ माई फादर हैड फाउंड ए डेड मादर रैबिट। क्या होता है ना, जंगल के फील्ड के रास्ते में उसके फादर को मिलता है एक मरे हुए मादर रैबिट, मतलब एक मादर रैबिट जो है मरे पड़े हुए थे, एंड थ्री डेड लिटिल वंस, और उसके तीन और भी छोटे छोटे रैबिट थे जो वो भी मर चुके थे। दिस वन अलाइव ओनली, ये जो था ये सिर्फ जिंदा था, बट अनमूविंग, लेकिन ये भी अनमूविंग था, मतलब जैसे कि ये भी मरने वाले थे, तो मतलब मूव नहीं कर पा रहे थे, एकदम चुपचाप बैठे थे। बट वॉट हैड किल्ड देम डैडी, डैडी मीन्स फादर, ठीक है, तो लेकिन उन लोगों को कौन मार दिए, कौन क्वेश्चन कर रहे हैं, नैरेटर, ये बात किसकी है ना, नैरेटर की, जो हमारी स्टोरी को बता रहा है, ठीक है। तुम डीएच लॉरेंस कह सकते हो, अगर डीएच लॉरेंस अभी हम यहाँ नहीं कहेंगे, सबसे बेस्ट से बेस्ट पार्ट है कि तुम यहाँ पे कह दो कि नैरेटर जो स्टोरी का वर्णन कर रहा है, ठीक है, और स्पीकर। तो बोल रहे आई कुड नॉट से माई चाइल्ड, बोल रहे नहीं मैं तो कह नहीं सकता हूँ कौन है, आई थिंक सी वुड बी सी हैड ईटन समथिंग, मतलब वो हो सकता है कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा इसीलिए मर गए होंगे, ठीक है। तो अब जो है उसके मादर फिर से कह रहे हैं, व्हाई डिड यू ब्रिंग इट, और इसको लाए क्यों यहाँ पे घर पे। अगेन माय मादर्स वॉइस कंडेमनेशन, कंडेमनेशन मतलब वही डिसएग्री, ठीक है, और कंप्लेनिंग वॉइस में कह रहे हैं, तो इसको क्यों लाए हैं आप यहाँ पे, यू नो व्हाट इट विल बी, अब आपको पता है कि ये क्या होगा, व्हाट इट विल बी मतलब तुम कह सकते हो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और ये इसका परिणाम क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस रैबिट, या मतलब ये जो है, मैं आगे देखो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। माई फादर मेड नो आंसर, मेरे पिताजी कोई आंसर नहीं करते हैं, बट वी वेर लाउड इन प्रोटेस्ट, लेकिन लाउड मतलब हम लोग जो है, मेरे पिताजी तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन हम लोग जो है चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, वी वेर लाउड इन आवर इन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या है, मान के चलो तुमको कुछ कुछ करने जा रहे हो, उसको बाधा डालना, उसको कहते हैं प्रोटेस्ट, लेकिन हम लोग जो है इतने ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे कि उसके जो हम फादर को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं हुआ, बच्चे ने काम एकदम क्लियर कर दिया पूरा। ही मस्ट ब्रिंग इट, तो बच्चे उसके पिताजी के साथ तो देंगे ही देंगे, रैबिट जो ला के दिए, बोल रहे हाँ हाँ बिल्कुल लाना चाहिए था आप, मतलब ही कौन है, फादर, मतलब फादर मस्ट ब्रिंग इट, फादर को बिल्कुल लाना चाहिए था, इट इज नॉट बिग एनफ टू लिव बाय इटसेल्फ, इट वुड डाई विच आउटेड, विच आउटेड का मतलब ऑल द चिल्ड्रन आउटेड, जितने भी बच्चे थे सब चिल्ला के बोलने लगे, ही मस्ट ब्रिंग इट, उनको बिल्कुल लाना चाहिए था, उसके फादर को बोल रहे हैं, मतलब फादर की तरफदारी कर रहे हैं, अपने मादर को बोल रहे हैं ये सब बातें, कौन बोल रहे हैं ना, सब बच्चे मिलके एक साथ, सारे चिल्ड्रन, नैरेटर भी है और उसके भाई बहन जितने, सब एक साथ चिल्ला के बोल रहे हैं, नहीं नहीं फादर को बिल्कुल लाना चाहिए था, इट्स नॉट बिग एनफ टू लिव बाय इटसेल्फ, ये अकेला थोड़ी ना जी सकता है, इट टू डाई, इट टू डाई, ये तो मर जाता बिना खाए, पर यस एंड इट विल डाउन नाउ, डाई नाउ, लेकिन उसके मादर जो है तब तुरंत कहते हैं यस हाँ सही बोले हो, मर जाता, एंड इट विल डाई नाउ, अगर वो जंगल फील्ड में नहीं मरता तो अब मर जाएगा वो घर पे लाने की वजह से, एंड देन इट विल बी अनदर आउटक्राई, और क्या होगा यहाँ पे, देखो बच्चों तुम्हारे बुक में इसको डिवाइड कर दिएगा, लेकिन यहाँ पे अनदर आउटक्राई एक साथ जोड़ दिए गए, तो एंड देन देयर विल बी अनदर आउटक्राई, आउटक्राई क्या होता है, आउटक्राई का मतलब देखो तुम्हारे बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब फिर से जो है नया समस्या क्रिएट करेंगे, ठीक है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ सैडनेस, मतलब सब जो जब मर जाएंगे घर पे, यहाँ पे आके कोई, वैसे तुम्हारे जैसे घर में कोई अगर कुत्ता वगैरह कुछ पाले हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाते हैं दुखद, तो क्या होता है सब दुखी हो जाते हैं, तो सब रोने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो ज्यादातर रोने लगते हैं, तो वही बात बोल रहे हैं कि घर में अब शुरू होगा। माई मदर सेट हर फेस अगेंस्ट द ट्रेजेडी ऑफ डेड पेट्स, माई मदर सेट हर फेस, मतलब उसकी मदर जो है अब सोचने लगे कि अच्छा, मतलब सेट हर फेस, मतलब अपना जो आइडिया है वो किसके तरफ खींच के ले गया, सब बच्चों को याद दिलवा देगी, देखो कितने सारे पेट्स पहले मरे हैं हमारे घर में, एंड आउट आवर हार्ट सैंक, और हम सबके दिल जो है बैठ गया एकदम, आवर हार्ट सैंक का मतलब हाँ बच्चे भी याद किए, हाँ भाई सही बात है, पहले बहुत सारे पेट्स लाए थे, बाद में सब मर गए थे, तो सब दुखी हुए थे, पर इट वुड नॉट डाई फादर विल इट,
तो आप जो है बच्चे देखो क्या करने लगे, देखो अपने से भूत समस्या आ नहीं रहे, सबको लग रहा है कि मर जाएगा, तो पापा से कह रहे हैं मतलब दिलासा मांगने के लिए कि इट वुड नॉट डाई फादर, क्या पापा ये तो मरेगा नहीं ना, विल इट, क्या ये मर जाएगा, मतलब एक्चुअली हम सब चाह रहे हैं कि